ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। शहर में बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। टीआई रामबाबू यादव के बड़े भाई के घर फायरिंग की है। और फिर मुरैना के कोतवाली थाने में आईटी रामबाबू पदस्थ है। मामूली विवाद पर युवक ने फायरिंग की है, ये बताया जा रहा है। टीआई के बड़े भाई से आरोपी युवक का पहले विवाद हुआ था। फायरिंग की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। ग्वालियर किला गेट थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए कि बदमाशों के हौसले कितने ज्यादा बुलंद है, आप देख सकते हैं। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि घर के बाहर किस तरीके से यहाँ पर फायरिंग की जा रही है। मामूली बात को लेकर इनके बीच विवाद था, लेकिन इस तरीके से फायरिंग करें तो जाहिर सी बात है कि पुलिस और प्रशासन पर भी कई सवाल यहाँ पर खड़े उठ रहे हैं। क्योंकि बदमाश अगर इस तरीके से खुलेआम फायरिंग करें, इससे साफ होता है कि बदमाशों में अब जरा सा भी नहीं है। सीसीटीवी फुटेज आपने देखा और इस फुटेज की पड़ताल आगे की जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि मामूली बात को लेकर इनके बीच विवाद था, लेकिन किस बात को लेकर विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि यहाँ पर फायरिंग की नौबत आ गई है। जाहिर सी बात है खुले में इस तरीके से फायरिंग की जा रही है, तो पुलिस प्रशासन पर भी कई सवाल यहाँ पर खड़े हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि अब इस पूरे वीडियो के सामने आने के बाद, इस घटना के सामने आने के बाद, अब आगे क्या एक्शन लिया जाता है।